एवरीवन, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द गॉस एडिट। सो कैसे हो सारे, होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अपने घर में बैठ के मौज ले रहे होंगे। सो अभी ने इंस्टाग्राम पे कुछ इस टाइप का न्यू ट्रेंड चला है जो कि काफ़ी इजी बनाना, आपने देखा ही होगा रील पे। सो इस वाली वीडियो में आप सभी को बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे इस टाइप की वीडियो बना सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर कैप का टैप को ओपन कर लेना है एंड उसके बाद आप सभी के सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। जाहिर सी बात है, आपको न्यू प्रोजेक्ट पे आकर के अपने फ़ोटो को यहाँ से ऐड कर लेना है। ओके, एंड आपकी फ़ोटो कुछ इस रहेगी, कुछ इस तरह से रहेगी। तो आपको ना इसका रेशियो जो है वो चेंज करके 9:16 कर लेना है। अपने फ़ोटो के लेयर पे क्लिक करना है एंड इसे इस तरीके से जूम करके फुल जो है वो परफेक्ट कर लेना है फ्रेम में। जैसे आपका ये हो जाएगा चीज़, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो आप लोग कि आप अपने फ़ोटो के लेयर पर जो क्लिक कर लेना। ओके, एक सेकंड मैं क्लिक करता हूँ एंड अब आपको ना यहाँ से एक वीडियो जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। तो आपको यहाँ पे चले आना है मास्क में एंड मास्क में आने के बाद आपको सेकंड नंबर पे दिख रहा होगा, तो आपको इस वाले पे चले आना है एंड इसे आप सभी को टू फिंगर्स ऐसे करके रोटेट करना है, घुमाना है ना, एंड -35 डिग्री रखना है इसका एंड इस तरीके से आपको फिर एरो को हल्का सा खींचना है। ओके, बिल्कुल ये इस तरीके से हल्का सा एंड उसके बाद इसको आपको कर देना है ऊपर की साइड कॉर्नर में। ओके, परफेक्ट। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे राइट वाले बटन पे क्लिक करके डन करना है एंड जस्ट आप देखो ऊपर की साइड में एरो के पास में दिख रहा होगा की फ्रेम, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है एंड फिर आपको वीडियो के लास्ट में चले आना है एंड फिर एक और की फ्रेम लगाना है एंड आपको फिर मास्क में चले आना है एंड मास्क में आने के बाद आपको इस वाले को नीचे कर लेना है। ओके, परफेक्ट। नीचे जैसे हो जाएगा तो आपको फिर यहाँ पर डन कर देना एंड आपके यहाँ पर वीडियो जाइए रेडी हो चुकी है, ये देखो। एंड इसके बाद फिर आप सभी क्या करना है, इस वीडियो का ना स्टार्टिंग पॉइंट पर चले आना है आप सभी को। ओके, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक इफेक्ट, आपको नीचे साइड में दिख रहा होगा, तो इफेक्ट पे क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट पे चले आना है आप सभी को एंड यहाँ से आप सभी को एक सेक इफेक्ट जो है वो लगा लेना है। बस आप सभी को इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, इसका स्पीड है वो आप सभी को 0 कर देना है एंड ये नीचे वाले को आप सभी को वो 10 रखना है एंड डन। इसे आप सभी को स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देना है इफेक्ट को एंड ये सही है, तो इस तरीके से आपको कर लेना है, परफेक्ट। एंड अब आपको क्या करना है, फिर से वापस सब वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट पर आना, प्लस का बटन पर क्लिक करना, आपने जिस वीडियो का जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था उसको आप यहाँ पे ऐड कर लेना, लास्ट वाला एंड स्टार्टिंग का पॉइंट में जो भी फालतू पार्ट रहेगा आप इसे यहाँ पे ट्रिम करके हटा देना एंड उसके बाद का जो पार्ट बच जाएगा तो आप सभी क्या करना है, पहले आपको ऐड एक ऑडियो ऐड कर लेना जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उसका ऑडियो को आप यहाँ पर फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना। देन आपका जो ऑडियो रहेगा उस ऑडियो के हिसाब से भी आप सभी को यहाँ पे जो वो क्रीम वगैरह कर लेना है, मीन्स मैच कर लेना है आप सभी को। ओके, तो यहाँ पे स्पीड में आने के बाद इसका जो है वो स्पीड को बढ़ा दूंगा, सही है। एंड जैसे देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी ये रील, इस टाइप से बन जाएगा ये। सो दैट फॉर द टुडे गाइस, होप कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी एंड अगर आप लोग ये वीडियो जो देखे इसका अगर आप लोग सिर्फ स्टार्टिंग का पार्ट नहीं रखना चाहते हो, एंड वाला पार्ट रखना चाहते हो, सिंपल बस आप वीडियो को लगाना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऐड मत करना एंड एक्सपोर्ट कर लेना, बस सिंपल सी बात है। सो मिलूंगा मैं आप सभी से फिर किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक बस आप सब अपना ध्यान रखना, बाय।